अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मली लोग कहते हैं और हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जैसे ही 25 साल से ऊपर जाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती और हम लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द डे हमें जो है ना वो सुस्ती सी रहती है, नींद आती रहती है। हालांकि अगर हम सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे गनूदगी जैसे होती है वो रहती है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। होता ऐसे है, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जो है वो होते हैं, उसमें एक केमिकल जो है वो है लैक्टिक एसिड। वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए हमारी बॉडी में पैदा होता है और उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी में हरारत को पैदा करता है। अच्छा, इसका निकलना भी, रिलीज़ होना भी बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके सांस के ज़रिए और दूसरा आपके जो है वो गुर्दों के ज़रिए, आपके लंग्स के ज़रिए खारिज होता है। 25 के बाद क्या होता है, जैसे आपके लंग्स जो होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं या उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती, तो लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज़ होना जो है वो कम हो जाता है, वो प्रॉपरली आपकी बॉडी से जो है वो निकलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो लेज़ी रहती है, उसमें वो एनर्जी नहीं रहती, उसमें वो ताजगी नहीं होती। तो आज जो है हम एपिसोड करने वाले हैं वो है जी मेडिटेशन एंड जो है लैक्टिक एसिड। तो होता क्या है कि हम किस तरीके से अपने गुर्दों को, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा दें, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दें ताकि वो लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी से खारिज हो जाए, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, और हम जो है वो एवरग्रीन रहें और हम जो है वो अच्छे भी रहें, एक्टिव भी रहें और हमारी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा हो। तो इसके लिए ब्रीदिंग प्राणायाम्स बहुत मुफीद हैं और मेडिटेशन भी आज जो है हम बेसिक परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट आप हमेशा करें तो कुछ बेसिक ब्रीदिंग प्राणायाम के लिए करें, बेशक वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो, जैसे आप बैठ जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, कमर आपकी स्ट्रेट हो, फेस रिलैक्स, आपके चीक्स ऐसे ऊपर और आंखें ऊपर की तरफ ना हो, माथे पे बल ना हो, जस्ट गेट रिलैक्स। ऑलराइट, कंधों को उठाएँ, पीछे की तरफ रोल करें, ड्रॉप योर शोल्डर, और आपने जो है वो मेरे साथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। इनहेल करेंगे नाक से, हमने बैली को बाहर की तरफ पुश करना है, फुल हमारे जो फेफड़े हैं उसको फुल हवा भर देनी है। जितना इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसकी फंक्शन में, इसकी कैपेसिटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ डीप नाइस ब्रीदिंग विद मी। इनहेल करते हुए बैली को बाहर की तरफ पुश करें। वेरी नाइस, ऑलराइट। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम स्टमक को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। हालांकि सही तरीका ये है कि जब हम नाक से सांस लें तो बैली को बाहर की तरफ पुश करें। तो प्रैक्टिस करते रहें, परेशान नहीं होना, आप इसको अचीव कर लेंगे। ऑलराइट, अब हम परफॉर्म करेंगे अनुलोम विलोम। आप इसको 2 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी मेडिटेशन परफॉर्म करेंगे। अनुलोम विलोम पे मेरे पहले भी एपिसोड हैं, बहुत आसान है, हमने रिंग फिंगर और थंब की मदद से इसको जो है वो परफॉर्म करना है। राइट नॉस्ट्रल को हमने क्लोज किया, लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज किया, राइट से एक्सहेल किया। अब जैसे सांस को एक्सहेल करना, उसे सांस को लेना भी है, दूसरे से एक्सहेल करना है, अगेन जिससे एक्सहेल किया उसे सांस लेना है, राइट से एक्सहेल, इसी से इनहेल, दूसरे से एक्सहेल, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, राइट नॉस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट से सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से एक्सहेल किया, फिर जिससे एक्सहेल करेंगे उससे इनहेल भी करना है और अल्टरनेटिव से एक्सहेल करना है। लेफ्ट से सांस लेना हम स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही सांस को एक्सहेल करना हम
ख़त्म करेंगे। ये थर्मोस्टेट की तरह भी काम करता है, आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर, आजकल बहुत सारे लोगों को बुखार हो रहा है तो अगर वो इसको परफॉर्म करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर 37.5 होता है वो हो जाएगा, आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन वायरस आपकी बॉडी पे जो है वो अटैक नहीं करेंगे। तो अनुलोम विलोम को अपनी प्रैक्टिस का ज़रूर हिस्सा बनाएं। ऑलराइट, अब हम परफॉर्म करेंगे मेडिटेशन। सेम हम उसी पोजीशन में बैठे हैं, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, कमर स्ट्रेट, रिलैक्स योर शोल्डर। ऑलराइट, बिल्कुल स्ट्रेट नेक होगी। ध्यान मुद्रा, जो कंसंट्रेशन का मुद्रा है, वो हम बना के ऐसे रख लेंगे। कोशिश करें ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे शोर कम हो। आज जो बेसिक हम परफॉर्म करेंगे वो ये है कि हम अपनी सांस पे फोकस करेंगे। इवन यू कैन क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर होल बॉडी, कमर स्ट्रेट हो, एक्टिव हो। आपने नाक से सांस लेना है, नाक से एक्सहेल करना है। कोशिश करें अगर आप जो है वो ओशन का साउंड बना सकें, जैसे अगर मैं आपको सुना सकूं, उजाई ब्रेथ को प्रैक्टिस करें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए ओशन का साउंड बनाएं, और आपने बड़ा क्लोजली जो है अपने सांस को सुनने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, आपने बड़ा माइंडफुली सांस को लेना है कि आप फोकस कर रहे हो कि अभी सांस लिया जा रहा है, अभी सांस एक्सहेल हो रहा है। बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएं, तमाम अपना जो फोकस है वो अपनी सांसों पे ले आएं। इनहेल करें, फुल लंग्स को जो है वो पंप करें, बैली को बाहर की तरफ पुश करें। एक्सहेल करते हुए आपका स्टमक जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। बिल्कुल फेस को आपने रिलैक्स रखना है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है। फुली आज के लेसन में हम फोकस करेंगे अपने सांसों की आवाज़ को सुनेंगे। मेडिटेशन, मुराकबा, यानी किसी एक चीज़ को आप इतना ज़्यादा जो है वो उस पर मरकूज हो जाएं कि बाकी तमाम चीज़ें आपको भूल जाएं। मैं फुली कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सांस को सुनूं, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। अगर मेरा ध्यान कहीं और जाता है तो मैंने कोशिश करनी है कि मैंने उसके साथ फाइट नहीं करनी अपने थॉट के साथ। कुछ देर के लिए आप उस थॉट को देखें, ऑब्जर्व करें, जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें फौरन अपनी जो है वो तवज्जो अपने सांसों पे ले आएं और सांसों को सुनना शुरू कर दें। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें। एंड स्लोली स्लोली विद ब्यूटीफुल स्माइल आपने जो है अपनी आंखों को ओपन कर लेना है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेडिटेशन से पहले कोशिश कर लें कि आप अपने सिटिंग बोन पे प्रॉपर बैठ जाएं और कमर को स्ट्रेट रखें। बटरफ्लाई जो पोजीशन होती है उसको परफॉर्म कर लें, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लें, हिप ओपनिंग की जो है वो प्रैक्टिस उसको परफॉर्म कर लें, ताकि आप स्ट्रेट कमर के साथ ज़रूर बैठ सकें। ये कहना बहुत आसान है कि अपनी सांसों को फोकस करें मेडिटेशन की फॉर्म में, लेकिन बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे खुद, एक कनेक्टिविटी की पोजीशन में आते हुए बहुत टाइम लग गया। ये जितना कहना आसान है उतना कनेक्टेड फील करना उतना ही सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, अगर आप
का कनेक्शन ना बने तो आपने परेशान नहीं होना। आप मेडिटेशन को चेयर पे भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, आप लेट के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन में सब लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, घर में करने के लिए कुछ नहीं होता, सारा दिन न्यूज़ बुलेटिन को देखते रहते हैं। तो माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इसका बहुत खदशा है कि हमें बहुत सारे जो माइंड डिसऑर्डर है, जो हमें नफ्सियाती प्रॉब्लम है, वो हो सकते हैं। तो अगर हम योगा प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, मेडिटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको तमाम किस्म की जो है, आपको जिस्मानी और आपको दिमागी जो है प्रॉब्लम से आप हमेशा इंशाल्लाह ताला जो है वो दूर रहेंगे। तो आप मेडिटेशन ज़रूर परफॉर्म करें, आपको जिस्मानी और मेंटली फ़ायदे भी मिलेंगे और लैक्टिक एसिड जो है आपके गुर्दों का फंक्शन बेहतर हो जाएगा और आपको जो सुस्ती होती है, ठीक है, आफ्टर 25 साल की एज के बाद जो बॉडी में लेजीनेस होती है, जो गनूदगी रहती है, 24 घंटे नींद वाली सिचुएशन रहती है, आप में फ्रेशनेस नहीं रहती, वो भी आपकी दोबारा बहाल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करें, अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए ढेर सारी दुआएँ देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।